हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। मैं स्वागत करता हूं आपका धाकड़ एकेडमी में और मैं हूं पुष्पेंद्र धाकड़। यूज़ ऑफ शुड के बाद यूज़ ऑफ मस्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। मस्ट का यूज़ भी हम उन्हीं सेंटेंस में करते हैं जहां पर चाहिए का मीनिंग आता है, बट शुड में हम बहुत रिस्पेक्ट और बहुत ही पोलाइट वे में बोलते हैं, लेकिन मस्ट में ऐसा होना ही चाहिए वाला सिस्टम आता है। जैसे अगर आप किसी को, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, चाहे वो लाइकवुड हो, चाहे वो आपका एडवाइस हो, चाहे वो सजेशन हो, कोई भी चीज़ हो, जो भी शुड का हम यूज़ करते हैं, जैसे अगर शुड में हम कह रहे हैं आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए, तो यू शुड ज्वाइन द जिम। लेकिन मैं कहूँ कि आपको जिम ज्वाइन करना ही चाहिए, मतलब ज़रूरी है, वो चीज़ करना ही है, तो वहाँ पे आप कह जाएगा यू मस्ट ज्वाइन द जिम, यू मस्ट ज्वाइन द जिम। तो यहाँ पर मस्ट का यूज़ होगा, तो इस बात को समझें आप। तो जब भी हम कहीं पर भी शुड का यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे, फिर हम जब किसी को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे होते हैं या उससे कह रहे हैं ये करना ही है, ये होना ही है, ये ज़रूरी है, तो वहाँ पर आप मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे आप बोलते हैं आपको मार्केट जाना ही चाहिए, आपको मार्केट जाना ही चाहिए, तो यू मस्ट गो टू मार्केट, यू मस्ट गो टू मार्केट। तो इस तरीके से आप मस्ट का यूज़ करेंगे। मस्ट का यूज़ जब करते हैं तब किसी को हम कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो वहाँ पर ये मस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे वो ये ऑर्डर हुआ, कमांड, यही चीज़ होती है जहाँ पर हम बिल्कुल फोर्स कर देते हैं। जैसे मैंने ऑर्डर दिया कि तुम्हें जिम ज्वाइन करना ही होगा या करना ही चाहिए, तो इसमें आप मस्ट का यूज़ करेंगे, यू मस्ट ज्वाइन द जिम। तो आपने बिल्कुल कहा ही है, करना ही है। जैसे मान लो यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी ही है या तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी ही चाहिए, तो यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। तो इस तरीके से आप मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। देखो, शुड का यूज़ हम नॉट के साथ नहीं करते, लेकिन मस्ट का यूज़ हम करते हैं, मस्ट नॉट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोल दूँ कि यहाँ पर मोबाइल अलाउ नहीं है, तो आप इसको बहुत स्ट्रिक्टली तरीके से कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर है ही नहीं अलाउ, मोबाइल मस्ट नॉट अलाउ हेयर, या मोबाइल मस्ट नॉट अलाउ इन दी क्लास, मतलब जो मोबाइल है वो क्लास में अलाउ बिल्कुल भी नहीं है, तो मोबाइल मस्ट नॉट अलाउ इन दी क्लास। तो जब स्ट्रिक्टली बात हो रही है और यहाँ पर नहीं की बात हो रही है, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मस्ट नॉट यूज़ होगा, मस्ट नॉट। जैसे आप जनरली कहीं वन विहार में या कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे एनिमल्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, विजिटर मस्ट नॉट हॉर्न, विजिटर मस्ट नॉट टच एनिमल्स, विजिटर मस्ट नॉट टच एनिमल्स। इसका मतलब ये हो जाएगा कि विजिटरों के द्वारा जानवरों को टच करना मना है, या बिल्कुल भी मना है, स्ट्रिक्टली मना है, तो वहाँ पर आप मस्ट का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जहाँ पर बहुत अर्जेंसी की बात हो रही हो, नेसेसरी की बात हो रही हो, कमांड की बात हो रही हो, किसी तरह का कोई निषेध की बात हो रही हो, तो वहाँ पर आप मस्ट का यूज़ करते हैं। तो शुड बिल्कुल पोलाइट, मस्ट बिल्कुल हार्ड, नहीं मतलब नहीं, हाँ मतलब हाँ, ये होता है शुड और मस्ट। तो गाइज, होप यू गाइज आपको ये समझ में आया होगा।